हेलो, दिस इज दीपक श्रीवास्तव फ्रॉम श्रीवास्तव एकेडमी। मैं आप लोगों को क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ा था, आज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर ये आपका लगभग 12 मार्क्स का चैप्टर है। इससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें हम न्यू रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। यदि फॉर्म में कोई नया पार्टनर आ जा रहा है तो हम न्यू रेशियो कैसे फाइंड करें। देखो, फॉर्म में जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये 3 कंडीशन से आता है। फर्स्ट, नया पार्टनर टोटल प्रॉफिट से पार्ट ले रहा है। जैसे एक्स एंड वाई आर अ पार्टनर, जेड एडमिट 1/5 प्रॉफिट। वहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 है या 10 है या 100 है, और उसमें से पहले हम जेड को दे देते हैं, फिर बचे हुए पार्ट को एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर एक्स को जो मिला, वाई को जो मिला और जेड को जो हमने पहले ही दे दिया था, इन तीनों को जब सेम बना देते हैं तो ये न्यू प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड नंबर, जब जेड अपना पार्ट जो है एक्स और वाई से लेता है, जैसे एक्स कहता है 1/5 देगा एंड वाई कहता है 1/6 देगा, जो भी देने के लिए एग्री होता है, तो एक्स जितना दे रहा है एक्स में से माइनस कर दो, वाई जितना दे रहा है वाई में से माइनस कर दो, और जेड को जो मिला इन तीनों को सेम बना दे, ये हो जाता है न्यू रेशियो। एंड तीसरा टॉपिक होता है जब एक्स अपने प्रॉफिट का पार्ट देता है, वाई अपने प्रॉफिट का पार्ट दे रहा है। यहां पे जैसे एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 5:3, जेड एडमिट हुआ, जेड को 1/5 ऑफ हिज शेयर एक्स दे रहा है, 1/3 ऑफ हिज शेयर वाई दे रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x का 5/8 था, 5/8 का पहले हम 1/5 निकालेंगे, 5/8 इंटू 1/5। अब ये जो निकला वो किसको मिलेगा, z को मिलेगा 5/40। ये किसको मिलेगा, z को मिलेगा। तो x के पास कितना बचा, 5/8 माइनस 5/40। इसी तरीके से हम y के साथ करेंगे, 3/8 इंटू 1/3 वो जेड को दे देंगे, और फिर 3/8 में से जितना जेड को दिया वो माइनस कर देंगे। फिर एक्स को जो रिमेनिंग बचा, वाई का जो रिमेनिंग बचा, और एक्स को जो दे रहे थे और वाई को जो दे रहे थे उन दोनों को प्लस कर देंगे, वो जेड का पार्ट हो जाएगा, फिर तीनों को सेम बना देंगे। ये न्यू रेशियो का फर्स्ट, जब हम टोटल प्रॉफिट अज्यूम कर लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 1 है और 1 में से पहले जेड को दे दिया, जो बचा एक्स वाई में बांट दिया, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, सेकेंड केस में जैसे 1/5 from x, तो यहां पे हमें x में से ये डायरेक्ट माइनस करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 1/3 from y, यानी 1/3 इसमें से डायरेक्ट माइनस करना है। यही कह रहे 1/5 of his share, यानी पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे। ये हो गया न्यू रेशियो निकालने का तरीका। इसके बाद सेक्रीफाइजिंग रेशियो, जो सेक्रीफाइजिंग रेशियो हम निकालते हैं उसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हो गया आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो यानी न्यू रेशियो फाइंड करना, सेक्रीफाइजिंग रेशियो फाइंड करना, इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन बनता है कि जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो कैपिटल लाता है और अपना प्रीमियम यानी गुडविल का पार्ट लाता है। कभी कभी ये गुडविल दी होती है, कभी कभी हमें गुडविल फाइंड करना होता है, कभी कभी हमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं पता है, यानी वहां पे गुडविल छुपा हुआ है, हिडन गुडविल है। तो जितना भी वो पैसे लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, जो वो पैसे लेके आया, जो उसका पार्ट कैपिटल है, जैसे हमने अज्यूम कर लिया कि सी न्यू पार्टनर है, टू सी कैपिटल टू प्रीमियम, उसका गुडविल, इस प्रीमियम को एक्स और वाई सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांट लेते हैं। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई, किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। कभी कभी ये प्रीमियम का पार्ट ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ कर लेते हैं, तो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक, ये 3 एंट्री बनी। अब इसमें ये प्रीमियम यदि वो लेके नहीं आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बट हम जब प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी गुडविल को फाइन करेंगे, गुडविल के पार्ट को हम बांटेंगे, तो यहां पे प्रीमियम ना लेकर के सीज कैपिटल या करेंट अकाउंट हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन में जैसे मेंशन हो, कैपिटल लिखोगे या करेंट लिखोगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि फुल पार्ट नहीं लाया
तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई, कौन सा पार्ट? प्रीमियम का पार्ट। और यदि विड्रॉ कर लिए तो ये कभी कभी फुल विड्रॉ करेंगे, कभी हाफ विड्रॉ करेंगे, या कभी नहीं विड्रॉ करेंगे तो एंट्री नहीं होगी। अब प्रीमियम का पार्ट हमने तो ऐसे निकाल लिया, इन केस हमारे पास प्रीमियम पता नहीं है कि कितना है, तो गुडविल का जो चैप्टर आप पढ़े थे उसी मेथड से गुडविल, जैसे हम वैल्यू गुडविल की निकालते हैं वैसे गुडविल निकालेंगे, उसके बाद हम पार्ट ऑफ सी की प्रीमियम निकालेंगे, वो पार्ट हो जाएगा प्रीमियम। कभी हमें गुडविल की भी स्टेटमेंट नहीं दी है तो यानी वहां पे हिडन गुडविल है, हमें गुडविल निकालना है। तो हिडन गुडविल, जब गुडविल छुपी हुई हो, उस केस में जो सी का कैपिटल है, जैसे मान लो सी 1 लाख कैपिटल लाता है 1/5 प्रॉफिट के लिए, तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 5/1, यानी हो गया 5 लाख। और क्वेश्चन में ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, ए और बी की कैपिटल दी होगी, जैसे मान जाओ ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख, और सी ने कितना लाया? 2 लाख, यानी फर्म की कैपिटल कितनी बन रही है? 4 लाख। सी के बेस पे टोटल कैपिटल कितना आ रहा है? 5 लाख। अब बट ए बी सी तीनों की कैपिटल को प्लस करके कितना कैपिटल आ रहा है? 4 लाख। तो ये कैपिटल का जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा? हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 4 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख। ये पूरा पार्ट हो गया। अब इसमें से पार्ट ऑफ सी, सी का पार्ट हो जाएगा 1 लाख इंटू 1/5, यानी 20,000। जब पूरा प्रीमियम लेके आता है तो सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, यदि वो प्रीमियम लेके आया। दूसरी एंट्री, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड टू वाई, जो भी उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में हो। तीसरी एंट्री, यदि वो विड्रॉ कर रहे हैं तो, नहीं तो नहीं, क्या? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक, यदि उन्होंने प्रीमियम का पार्ट विड्रॉ कर लिया, फुल विड्रॉ कर लिया तो फुल अमाउंट, हाफ विड्रॉ किया तो हाफ अमाउंट, या जितना पार्ट विड्रॉ किया उतना पार्ट इस एंट्री का। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीमियम का पार्ट बना 2000 बट सी लेके आ रहा है 1500, तो यहां पे प्रीमियम जितना लाया हम उतना दिखाएंगे, 1500 इस एंट्री में आएंगे, यहां पे हम प्रीमियम 1500 दिखाएंगे। जो पार्ट नहीं लाया, 500 नहीं लाया, तो 500 सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट के नाम से आएगा 500। तो ये तो हो गया जब फुल पार्ट लेके आता है, जब ये केस हो गया जब पार्टली पार्ट लेके आता है, प्रीमियम का अमाउंट गिवन नहीं है, तो गुडविल की वैल्यू जैसे हम कैलकुलेट करते थे उसके हिसाब से निकालना, या कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है गुडविल से रिलेटेड तो वहां पे हिडन गुडविल है, हिडन गुडविल के सबसे निकालना। इसके बाद आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि जनरल रिजर्व होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, एंड ओल्ड गुडविल होता है। ये पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं किसमें? ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये इनसे रिलेटेड कोई आइटम है तो उसकी जनरल एंट्री। इसके बाद यदि कोई एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो रिवैल्युएशन अकाउंट, रिवैल्युएशन अकाउंट का आंसर जो आया उसकी एंट्री किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। जब हमें एडजस्ट करना होता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो ओल्ड रेशियो। इसके हिसाब से इनमें से जो भी आइटम्स है उनकी जनरल एंट्री, रिवैल्युएशन के जो पॉइंट है रिवैल्युएशन अकाउंट बना लिया, उसके जो आंसर आता है उसकी जनरल एंट्री, जो कैपिटल वो लाया और प्रीमियम लाया उससे रिलेटेड जनरल एंट्री। इतने एंट्रीज को अब हम कैपिटल अकाउंट में पुट कर देंगे, जैसे कि ये हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ए बी सी पार्टिकुलर्स, ए बी सी, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही चीज, कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है? यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो हमारा वहां पे करंट अकाउंट भी खुलता है और कैपिटल अकाउंट भी खुलता है। तो पहला केस, यदि कैपिटल फिक्स्ड है तो हम ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट आ जाएगी, जैसे मान जाओ रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, यदि वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, या ओल्ड गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ,
इसके अलावा जब वो प्रीमियम लेके आया वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यदि प्रीमियम को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया तो टू बैंक करके प्रीमियम, यदि वो प्रीमियम का पार्ट अपने कैपिटल से नहीं लाए हैं तो कैपिटल यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि इंट्रीज में बना हुआ है। ये तो हमारे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आएंगे, और कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ए और बी एंड सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये हुआ सबसे पहले उनकी जो ए और बी की बैलेंस थी। उसके बाद बी ने जो, सी ने जो कैपिटल लाया बाय कैश या बैंक करके, ये आ गया, ये टोटल हो गया, यही टोटल आकर के यहाँ पे क्लोज हो गया जिसके हिसाब से बैलेंस सीडी निकल गया। और सारे आइटम किस में आ गए, करंट अकाउंट में, ये भी यहाँ पे क्लोज हो गए, और क्लोज होकर के ये आंसर आ गया, इसे कहेंगे टू बैलेंस सीडी। नॉर्मल जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जब कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो वहां पे करंट अकाउंट ओपन नहीं होता, वहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। ये सारी चीजें तो आएंगी ही आएंगी, जो कैपिटल का पार्ट था वो भी इसमें आ जाएगा। तो यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, बाय बैंक जो नए वाले की कैपिटल है, और वैसे रिवैल्यूएशन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जनरल लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ओल्ड गुडविल, या बैंक यदि विड्रॉ किया है फिर बैलेंस कर दे प्रॉफिट कैपिटल, ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ गई। इसके बाद हमें क्या बनाना होगा, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट जो बनाओगे बैलेंस शीट लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, सबसे पहले ये कैपिटल अकाउंट जो तीनों की कैपिटल हो, जैसे ए बी सी तीनों की जो नई कैपिटल आई, जो लाइबिलिटीज है फर्म की, क्रेडिटर्स, रिवैल्यूएशन को चेक करते हुए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, जो भी आपकी लाइबिलिटीज हो, जैसे बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन को चेक करके यदि घट गया हो तो घटा देना है, बढ़ गया हो तो बढ़ा देना है, फर्नीचर, मशीनरी, जो भी आपके पास एसेट्स हो, प्लांट, जो भी एसेट्स। अब आया कैश की बारी, कैश या बैंक, कैश या बैंक को के लिए हम अलग से पहले अकाउंट बनाएंगे। जैसे ये हो गया आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, जो उनका पहले से बैलेंस था, जितना सी ने लाया कैपिटल के रूप में टू सीज कैपिटल, जितना प्रीमियम के रूप में टू प्रीमियम, ये टोटल यहां पे आया बाई बैलेंस सीडी। यदि प्रीमियम को विड्रॉ किया है जैसे है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई ए एंड बी करके जितना उन्होंने विड्रॉ किया। अब ये जो बैलेंस आया ये बैलेंस आ जाएगा बैंक में, फिर ये टोटल आप करोगे जो इक्वल आएगा। ये तो हो गया सिंपल कैपिटल अकाउंट, सिंपल बैलेंस शीट बनाना, चाहे फिक्स्ड के केस में हो चाहे फ्लैक्चुएटिंग के केस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल आर गिवन, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवन हो, व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट गिवन, जब उनकी कैपिटल पता ना हो। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो कैपिटल अकाउंट जैसे बनता था आप सेम वैसे ही बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे कि जो बैलेंस है वो बैलेंस ले लिया, जैसे मान जाओ बैंक जो उसने कैपिटल लाया कैपिटल ले लिया, उसके बाद रिवैल्यूएशन है रिवैल्यूएशन ले लिया, बाय प्रीमियम जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो प्रीमियम ले लिया, फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व भी है जनरल रिजर्व भी आ गया, जैसे कि प्रीमियम को उन्होंने विथड्रॉ किया है तो वो विथड्रॉ करना होगा। अब यहाँ हम बैलेंस नहीं करेंगे, बैलेंस की जगह पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी की कैपिटल जो है उसके बेस पे हम टोटल कैपिटल निकालें, वही चीज ले लेते हैं, जैसे सी की कैपिटल है 1 लाख और 1/5 के लिए आया है तो टोटल कैपिटल हो गई 1 लाख इंटू 5/1 यानी 5 लाख। इस 5 लाख को न्यू रेशियो में बांट देंगे, जो न्यू रेशियो आएगा यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके डाल देंगे। अब इसका बैलेंस करेंगे, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा
वो या तो हम कैश या बैंक से ट्रीट करेंगे या करेंट अकाउंट से ट्रीट करेंगे, ये आपका क्वेश्चन में गिवन होगा कि बैलेंसिंग फिगर हमें कहाँ ले जाना है, कैश में ले जाना है या करेंट में ले जाना है। यदि मान जाओ हम इनका इसका टोटल किया और इसका टोटल किया, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है तो इस टोटल में से माइनस करके जो अमाउंट आया टू बैंक का रख दिया, यदि करेंट अकाउंट वाला है तो टू करेंट का लिख दिया। जैसे इसका बैलेंस मान जाओ इधर का कम आ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया बाय करेंट अकाउंट या बाय बैंक। अब यदि हमने बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट में ट्रीट करेंगे, जैसे ये टू साइड आया तो बैंक अकाउंट में बाई साइड, ये बाई साइड आया तो बैंक अकाउंट में टू साइड, यानी बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा जो बैलेंस शीट में आपके चेंज होके जाएगा। यदि करंट लिखा है तो करंट अकाउंट के हिसाब से ये हमारी लायबिलिटीज में आएगा और ये हमारे एसेट्स में आएगा। ये तो हो गया जब उनकी कैपिटल गिवेन हो। जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवेन नहीं हो, जब नए पार्टनर की कैपिटल गिवेन नहीं है तो सबसे पहले आप सिंपल कैपिटल अकाउंट बना लो जितना बन रहा हो, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी उनकी जो कैपिटल है, बाय रिवैल्यूएशन, बाय बैंक जो हमें पता नहीं है, बाय प्रीमियम, प्रीमियम उन्होंने उनका जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मान जाओ जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व कुट कर लिया, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांट दिया, टू गुडविल यदि ओल्ड गुडविल है वो भी बांट दिया, यदि उन्होंने प्रीमियम को विड्रॉ किया है तो टू बैंक। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का बैलेंस करेंगे। एक्स और वाई का पहले हमने बैलेंस कर लिया, टू बैलेंस सीडी आ गया। अब इस बैलेंस के बेस पे, टोटल कैपिटल के बेस पे, यानी फॉर्म की जब में नए पार्टनर की कैपिटल दी नहीं होती है तो वहां पे आपको देगा कि सी जो है टोटल कैपिटल का 1/5 ला रहा है या पुराने कैपिटल का 1/5 ला रहा है, यानी जिसके बेस पे ला रहा है। तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल को प्लस कर लिया, यदि वो टोटल का 1/5 ला रहा है तो सी का 1/5 है तो ए और बी का क्या होगा, 4/5 होगा। तो हमने 5/4 कर दिया, ये फर्म की टोटल कैपिटल हो गई, इनटू 1/5 कर दिया तो ये सी की कैपिटल हो गई। फिर ये जो पार्ट निकला यहाँ सी के में डाल दिया, यहाँ पे बैलेंस ले आए और यहाँ पे बैलेंस ले, ये बैलेंस हो गया। मान जब वो ओल्ड का 1/5 ला रहा है तो डायरेक्ट 1/5 कर दिया, वह चीज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब जैसे बैंक अकाउंट में ट्रीट होता है वैसे ही करेंगे और जो बैलेंस शीट में ट्रीट होता है वैसे ही करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो रिटायरमेंट, नेक्स्ट चैप्टर।